खबर यूपी के बलिया जनपद के मनिया थाना के पनीचा गांव में एक नाबालिग युवक को मां और बेटे ने मिलकर मारा चाकू। इसके बाद इलाके में मचा हड़कंप। वहीं गांव के ही दबंग युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर नाबालिग युवक को मारी चाकू। युवक की स्थिति नाजुक होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। युवक के परिजनों के तहरीर पर मां और बेटे के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पुलिस ने निम्न धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला और उसके दबंग बेटे ने नाबालिग युवक को मारा था पेट में चाकू। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। कहाँ का रहने वाला है? क्या हुआ, कहाँ है अभी आप? अभी हम हॉस्पिटल। क्या हुआ आपके साथ? एक लड़का मेरे पेट में चाकू मारा। किस लिए? वो आया, हम लोग घर के पास बैठे थे, मेरी बहन बाहर बैठे पढ़ रही थी, तो उसको देख के सीटी मारा, तो हम लोग उसको बोले कि क्यों देख रहा है ऐसे, सामने देख के चल, तो आगे जाके गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद हमने उसको बुलाया तो आया नहीं, फिर उसकी माँ पीछे से आई, उसको चाकू दी, फिर वो उसकी माँ हम लोग से आके बहस करने लगी, तो फिर उसकी माँ हम लोग से बहस करने लगी और लड़का पीछे से आके उनको चाकू मार दिया जब हम बात करने गए उससे। तो दिनांक 8 फरवरी 2021 को ग्राम पनीचा थाना मनियर में निरंजन सिंह नाम के एक व्यक्ति को सोनू वर्मा द्वारा चाकू मार दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए नज़दीकी PHC ले जाया गया और वहां से जिला अस्पताल बरिया रेफर किया गया, जहां पर इसको भर्ती करके इसका इलाज कराया जा रहा है। इस संबंध में उसके चाचा द्वारा दी गई तहरीर पर अभियुक्त सोनू वर्मा और उसकी माँ के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सोनू वर्मा और उसकी माँ को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।